होम मिनिस्टर की डॉटर है डैड। रात को आई लव यू बोलकर मैसेज किया, मैंने मॉर्निंग में कॉल किया तो वार्निंग दे रही है। आई कांट अंडरस्टैंड। इसे कहते हैं पावर। असली ब्रांड का एटीट्यूड है ये। हम जैसे हाई क्लास लोगों के ब्रेन में मामूली फ्लक्चुएशंस नहीं होते, हर एक दो घंटे में मूड स्विंग होता है। वो आखिर होम मिनिस्टर की बेटी है, उसका एटीट्यूड होना जायज है बेटा। उसके एक वार्निंग से डर जाओगे क्या तुम? ये तुम्हारे लिए एक मौका है और तुम्हें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब माय बॉय, ये मेरा जो अंडरवेयर है ना, यू नो इट्स अ स्पेशल एडिशन, सिर्फ अमेरिका के एक पर्टिकुलर स्टोर में ही मिलता है। लेकिन फिर भी मैं हर साल स्पेशली अमेरिका जाता हूँ और इसे खरीद कर लाता हूँ और पुराने फेंक देता हूँ। पता है क्यों? Because that is the passion of brands that I have, my boy. Cheer up, it's okay, dude. देखो, करोड़ रुपए कमाने पर भी ऐसी फीलिंग नहीं आती जो मनपसंद ब्रांड पहन कर आती है। जब इतने पैसे खर्च किए तो सिर्फ कच्चे में घूमना, पजामा क्यों पहनता है? बिजनेस मैग्नेट रतन का बेटा डायमंड होम मिनिस्टर का दामाद है। ये हुआ ना असली ब्रांड। तुम डटे रहना डूड, करेक्ट? ओके डैड, गुड। भगवान, अगर ये लड़की पड़ गई ना तो आपके पास 101 ब्रांडेड नारियल चढ़ाऊंगा। अरे साहब, उस लड़की को ऐसे क्यों देख रहे? वो आपका ब्रांड नहीं है। कुछ नहीं यार, थोड़ा सा अट्रैक्शन। सर, अट्रैक्शन है तो लव कर लोगे क्या? शी इज धारावी ब्रांड। वो देखिए आपका ब्रांड, होम मिनिस्टर डॉटर सर। फिल्म की शुरुआत में एक बहुत बड़े अमीर घर में डायमंड ग्रुप का चेयरमैन रतन अपने बेटे को खिला रहा है और एक लड़का गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा। ओ नो 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 बेटा, ये खालो खालो खालो। देखो ऑफिसर, खालो। ए, दिमाग खराब हो गया क्या? हाथों से खाना खिला रही हो? आज तुम इसे हाथों से खाना खिलाओगी और ये देखकर अगर कल इसने 10 लोगों के बीच हाथों से खाना शुरू कर दिया तो? अगर तुम्हें अमीर घर के बच्चों को पालना नहीं आता तो इंग्लिश मूवीज देखो, किताबें पढ़ो, लेकिन गरीब लोगों की तरह हाथों से मत खिलाओ। इट्स वेरी वेरी मिडिल क्लास। एंड आफ्टर ऑल ही इज माय बॉय एंड ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, इजंट इट? येलो सोने का चम्मच, इससे खिलाओ इसे। इसमें खाना नहीं आएगा जी। ट्राई करो, इसमें खाना भले ना आए लेकिन तुम्हें खिलाना जरूर आ जाएगा। कम, लेट्स गो। खिलौने ले लो, खिलौने। मुझे चाहिए। ले लो बेटा। मुझे चाहिए, चाहिए, चाहिए। खिलौने, खिलौने। मुझे चाहिए। सौ के चार जी। खिला दो बच्चे को। देखो बच्चा रो रहा है ना। रो मत बच्चा। खेलो इसे। ब्रांडेड का 40,000 रुपीस, खिलौने की कंपनी का टॉप ब्रांड, इससे खेल ले। नहीं चाहिए ये। जिद कर रहा है तो इसे वही कार दिला दीजिए ना जी। अगर हमने इसे अभी से सड़क पर मिल रहे सस्ते खिलौने की आदत डाल दी तो ये पूरी जिंदगी ऐसी ही फालतू चीजें मांगेगा। महंगा है तो क्या हुआ, इसे ब्रांडेड चीजों की आदत डालो। दो दिन रोएगा, चुप हो जाएगा, लेकिन इसे ब्रांड्स की आदत हो जाएगी। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रही हो यार, कितनी बार कहना पड़ेगा? इट्स सो मिडिल क्लास साड़ी से। हियर इट इज, ब्रांडेड हैंडकरचीफ से इसके आंसू पोंछो। इट्स एन अर्ल स्मिथ, बहुत रिच फीलिंग आएगी, ट्राई। देखा आपने कैसे पागलों जैसे बिहेव कर रहा है? इस पर ब्रांड्स का ये पागलपन पहले सवार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पैसा कमाता गया वैसे वैसे ये पागलपन बढ़ता गया। बेटे की परवरिश पर भी इसका असर आया और हर समय ब्रांड ब्रांड करके इस बेचारे बच्चे को ब्रांड बाबू बनाकर छोड़ दिया। चले गए हमें छोड़कर, अब मैं कैसे जीऊंगी?
मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मैं क्या करूंगी अब बता बेटा। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्यों हुआ? क्या कर रही है ये, क्या कर रही है आप? जोर जोर से सबके सामने रो रही हो, लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे, यही ना कि तेरे पापा की मौत हो गई तो मैं गम में रो रही हूँ। हमारा स्टेटस गिर गया ये सोचेंगे, रिक्शे वाले के पास मर्सिडीज आ गई ऐसा सोचेंगे। छोटे की फैमिली को देखो माँ, गम के वक्त भी कितनी तमीज से पेश आते हैं ये लोग। जी साहब, भूख लगी है, कुकीज लेके आ। मातम के टाइम मैं तो जिंदा हूँ ना, लेके आ। इसी नहीं मारा होगा। देखो अपनी बहू को देखो, अपनी किटी पार्टी फ्रेंड्स को कितना अच्छे से मैनेज कर रही। उधर देख, माय ओनली सन अंदर से बहुत दुखी है लेकिन सिंपल और सटल एक्सप्रेशन से अपने इमोशंस को बयान कर रहा है। इसे कहते हैं हाई क्लास। और पापा को कितना बुरा लगेगा जब वो आपको ऊपर से ऐसे गरीबों की तरह रोता देखेंगे। ये कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे बाप की मौत हुई है, तुझे रोना नहीं आ रहा? रात को अपने बेडरूम में मैं रो चुका हूँ माँ, बॉडी के सामने मेलोड्रामा क्यों? बॉडी किसे कहा? मरने से पहले वो थे मेरे पापा, मरने के बाद जितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो उसे लाश या बॉडी ही कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ठंडे में सॉफ्ट ड्रिंक फिनाइल क्या लेंगे? ये सब छोड़ो, कोई हार्ड ड्रिंक लेकर आओ। हार्ड? अय्या ये इतना हैरान क्यों हो रहा है? जाओ लेकर आओ, जाओ जल्दी लेकर आओ। कंट्रोल करना है साहब, बाहर गेस्ट लोग सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय कॉकटेल मांग रहे हैं। जो भी चाहिए दे दो। वैसे देते समय रो या बिना रोए दे दो। देखो हे भगवान, हे भगवान, नहीं चाहिए, थोड़ा कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन में हम जैसे हाई क्लास लोगों का एक ड्रेस कोड होता है, व्हाइट एंड व्हाइट। जरा देखो उनको कैसे चुपचाप आकर फूल की माला डालकर सब शांति से जा रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस बेटा, लाश के साथ भी सेल्फी। डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है, मेरे दादा के मौत के टाइम भी ऐसे ही करवाएंगे हम। अबे बेशरम। हाय अंकल। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। सॉरी 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 परिहार्य। Father of the business tycoon Ratan and the grandfather of young and dashing Diamond Ratan passes away. ये न्यूज सारे magazines और leading newspapers में भेजने को कहो अपने PRO से। Photographer, one picture please. करोड़ की जायदाद, इकलौती बेटी। इस लड़की को ब्रांड्स का बहुत पागलपन है, बिना ब्रांड के बॉडी पर बैंगल्स तक नहीं पहनती है ये। पति भी इसको वैसा ही चाहिए, इसलिए इस फीमेल ब्रांड का और आप मेल ब्रांड का परफेक्ट मैच है। और आपके पापा ने भी हाँ कर दिए, और आप गुड, इंटरेस्टिंग, सुपर बेटा। लड़की आपको पसंद है, ये बात उस लड़की के चाचा से डायरेक्ट कह दीजिए, उन्हें बुला लेता हूँ। वेट। हाय सर। हाय। तपासो, अरमानी शर्ट, रेड वॉच, जोकी का कच्चा, लुइस फिलिप शूज, आईफोन लेटेस्ट है, लोरियल, डेविड ऑफ, डेविड ऑफ, ओके ओके, सारों चे। साहब, ब्रांड टेस्ट हो गया। He is the using all brands. You can meet him. बेझिझक। Call him. उसे देखे बिना ही आप मैच ओके कर देंगे, ये मैंने सोचा नहीं था सर। हम सब दो पैर दो हाथ मिट्टी में मिलने वाले शरीर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हमारे ब्रांड्स के हिसाब से ही इंसान इंसान के बीच फर्क पता चलता है। सोसाइटी में हमें इज्जत मिलती है, तो ब्रांड्स की वैल्यू करने वाली ऐसी ही फैमिली का दामाद बनना मेरा टारगेट है। वाह, क्या बात कही है। जी भैया, दामाद जी मेरे सामने ही हैं। लीजिए, उनसे बात कीजिए। बेटा, सच में मेरी खुशकिस्मती है कि तुमने हाँ कह दी। हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद सिग्नल नहीं है। सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं है, फोन पुराना है। कौन सी कंपनी?
छोटी मोटी कंपनी का है, सस्ता इसलिए खरीद लिया मैंने, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही लकी साबित हुआ। तुम्हारा फोन ही नहीं, जिससे बात करे उसका भी फोन ब्रांडेड होना चाहिए। देखो बेटा, 4 बजे फैमिली मीटिंग है। कंटेंट? वही, बहुत दिन हो गए ना, तो आपके फैमिली मेंबर्स से मिलकर बैठकर बातचीत कीजिए। ओके, शाम को याद दिलाना। हाँ ठीक है। अरे अब सिर्फ 1 घंटा ही तो बाकी रह गया, अब इसमें क्या याद दिलाऊं मैं? इफ यू हैव परेशानी देन मुझे याद दिला देना, मैं उन्हें याद दिला दूंगा। चील, Hey, my boy. Dad. How are you? Good, good. How are you? Very good. You okay? Meet your mom. Hi, mom. बेटा, कैसा है तू? ठीक हूँ। सालों से सब एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन ऐसे मिल रहे हैं जैसे अभी अभी मिले हों। दीदी, छोटी। पता है परसों आपके कमरे के बाहर से ही निकली थी। हाँ हाँ, पता है मुझे। तेरे रूम का गीजर भी ठीक चल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिशियन ने ठीक कर दिया। Come, please sit down. बैठिए। सुनिए, किसी दिन हम सब मिलकर खाना खाएं, ऐसा प्लान कीजिए ना। Why not? Next time प्लान करते हैं। अरे, तेरी पैंट उतर रही है। पैंट नहीं उतर रही है दादी, ब्रांड दिखा रहा हूँ, ब्रांड। हे भगवान, ये और इसका ब्रांड। ये छिलका क्यों साफ कर रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉचिंग। वैसे डायमंड, उस रिश्ते का क्या हुआ? आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क आउट डैड। कुछ लोग पैसा होने के बावजूद कंजूसी करते हैं, करोड़ों होने पर भी खर्च नहीं करते, डब्बा फोन और फालतू कार इस्तेमाल करते हैं। हम तो अपने कपड़ों तक को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हमारे घर में आने वाली लड़की का ब्रांड किस रेंज का होना चाहिए, सोचिए डैड। इसमें भी तुझे ब्रांड चाहिए? अब क्या लड़की के माथे पर भी लोगो छपवाएगा? अरे माँ, मैं किसी बड़े मिनिस्टर की बेटी या किसी फिल्म स्टार की बेटी या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी से शादी कर लूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली अपने ससुर का ब्रांड मिल जाएगा ना, मतलब उससे शादी करने के बाद मेरी इमेज बदल जाएगी ना। That's a mind blowing idea, I must say. नाम के लिए शादी करेगा तो प्यार कैसे होगा? दादी माँ, आजकल जहाँ ब्रांड है वहीं प्यार है, ट्रेंड बदल गया है, स्टे अपडेटेड। टॉप क्लास बेंज जैसी लड़की को ही इस घर की बहू बनाऊंगा। मेम साहब वहाँ हैं, जाकर दे दो। पावनी को जगा दो, बहुत देर हो गई है। खुशबू से ही बता सकती हूँ कि ये कॉफी तूने बनाई है, क्योंकि ऐसी खुशबू तेरी बनाई हुई कॉफी से ही आती है। जिसने तेरी बनाई कॉफी नहीं पीना उसकी जिंदगी बेकार है। क्यों, ये अब शादी नहीं करेगी क्या? जिंदगी भर लोगों को कॉफी ही पिलाती रहेगी? फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट हो, अब इस तरह के काम करने की तुम्हें क्या जरूरत है बेटा? आंटी, मेरी माँ नहीं है लेकिन आप तो है ना, आपने मुझे कभी पराया नहीं समझा है, और पावनी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे और क्या चाहिए? राधा, एक मिनट, ये लो, ये कपड़े तुम्हारे लिए। आंटी, अगर आप ऐसे कपड़े देंगी तो सच में यही लगेगा कि मैं इस घर में काम वाली हूँ। नहीं बेटी, नए कपड़े हैं, एक बार भी नहीं पहने हैं, बहुत महंगे हैं बेटा, अपनी बहन को दे देना। नहीं आंटी, अभी आप देंगी तो रोज पहनने की आदत हो जाएगी, वैसे भी चादर के बाहर पैर फैलाना मुझे पसंद नहीं, हमारे पास जो है उसमें ही हम खुश हैं, और कुछ नहीं चाहिए। किसे भेजी फोटो? नेहा को भेजी है, चाहे तो देख लो।
ये कपड़े लेने से मना किया था ना, तो क्यों लेकर आई हो? मैंने नहीं लिए थे, वो आंटी ने खुद ही दिए। अगर ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी तो क्या मर जाओगी? इडियट। देखिए ना पापा, दीदी ने मारा। एक ड्रेस लेना गलत है क्या? हाँ गलत है, किसी के आगे हाथ फैलाकर जीना मुझे पसंद नहीं। मुझे भी तेरी तरह कॉलेज जाकर पढ़ने का मन करता है, लेकिन माँ नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मेहनत करके तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हूँ, तो क्या ये काफी नहीं? जितना है उसमें खुश रहना सीख लो, और जो नहीं है उसके पीछे भागो मत। दोस्त बढ़ गए, स्टाइल बढ़ गया, लेकिन अकल नहीं बढ़ी तुम्हारी। वेंकट की बेटी की तरह सोचना सीख लो, जमीन पर रहोगी, आसमान में उड़ोगी तो नीचे गिर जाओगी। दीदी से कुछ सीखो बेटा, समझ गए ना? ठीक है। मुझे मारती है, देख लूंगी। सर, व्हाई यू ब्रिंग अस यहाँ पर? इंडिया के सारे टॉप ब्रांड के बिजनेसमैन की बेटियां यहीं आती हैं पार्टी करने के लिए। हो, हो। मतलब ये एक सुपर मार्केट है लड़कियों की शॉपिंग करने के लिए। अब मेरे लिए जाकर परफेक्ट लड़की ढूंढ कर लाओ। ओके सर, गिव मी वन मिनट, अभी गो अहेड। थैंक यू। अभी तुझे सीधा करती हूँ, देख ले। आओ साहब, इतने बड़े पब में भी कोई भी ब्रांड नहीं मिला, सारा टाइम खोटी कर दिया तूने। What to do? I love you. कौन है ये? Excuse me. नंबर सेव करके पिक्चर देखिए सर। ये तो एक डॉगी है। साहब, ये डॉगी नहीं, डोबरमैन है। जिसके पास इतना महंगा कुतरा होगा वो कितनी अमीर होगी। छोकरी ब्रांडेड लागे छे। कॉल कीजिए साहब, कॉल कीजिए, साहब का मिलाप हो जाएगा। अरे फोन काट दिया उसने। और नहीं तो क्या, उस लड़की ने अपने दिल की बात को तीन शब्दों में मैसेज किया। एंड यू सर नो चिल, डायरेक्ट डूइंग कॉल। तो क्या करूं मैं? आप भी प्यार से आई लव यू टू बोलकर रिप्लाई करेंगे। कुछ भी, उसे देखे बिना कैसे कह दूं आई लव यू? लड़की कैसी भी हो, हमें क्या सर, ब्रांड ब्रांड जरूरी है। सी और पतलून 40 जगह खड्डे हैं, लेकिन ब्रांड स्टिकर की वजह से 1 लाख की है। सेम वे लड़की फ्रॉम अमीर घर सर, हु केयर्स अबाउट सुंदरता सर। सर आप भी अपनी थकीली फोटो हटाकर पुट फोटो ऑफ सम महंगा ब्रांड सर। मैं कौन सा फोटो लगाऊं? साहब जरा ये फोन आप। क्या कर रहा तू साहब? अभी इस पिक्चर को आप डीपी रख दो, मुकी दो, मुकी दो, लगाइए लगाइए। वैसे इस फोटो से उसे समझ में आ जाए। साहब एक ब्रांड दूसरे ब्रांड को आसानी से समझ ही लेता है। आप इस पटेली फोटो को डीपी पे लगाइए, वो आपके पीछे लट्टी हो जाएगी। तब तक मैं ट्रू कॉलर पे नंबर चेक करता हूँ। ओके 1-8-444-4-5-2-5 चेक चेक चेक। साहब होम मिनिस्टर की डॉटर। होम मिनिस्टर की डॉटर ने मुझे आई लव यू कहा, लेकिन वो मुझे जानती कैसे? आदिदास जनता को जानता है क्या? जनता आदिदास को जानती है। वैसे ही सर आप खुद एक ब्रांड छे, पूरी दुनिया तुमने जाने छे। सर आप तो ब्रांड बाबू है सर, एवरीवन इज नोइंग यू। यू रिप्लाई फास्ट फास्ट फास्ट। ओके नो मैसेज आ रहा है। हु आर यू अच्छे? आई एम ऑन टॉप। आई कांट टॉक नाउ, कॉल यू लेटर। यस साहब, तुम्हें कितना लकी छो। सोचा था पब में आकर लड़की ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ तो लड़की खुद ढूंढ कर आपके पास चली आई, वो भी होम मिनिस्टर की डॉटर। आपकी तो निकल पड़ी जाएब। सर दिस इज नॉट आवर निकलिंग टाइम, दिस इज अंदरता का पार्टिंग करेंट टाइम। चलिए चलिए सर, चलिए लेट्स गो। ए छोटी, मेरे फोन के साथ क्या कर रही है? गेम खेल रही थी। सिर्फ खेलना, कॉल्स मत करना। पावनी का ये दूसरा फोन है, उसने मुझे टच में रहने के लिए दिया हुआ है, और इसी फोन से तेरी लव स्टोरी की शुरुआत करवाऊंगी, और फिर देखना पापा कैसे तेरा बैंड बजाते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ साहब, सवार सवार एचएमडी के साथ चैटिंग शुरू कर दी। एचएमडी होम मिनिस्टर डॉटर सर। अरे मैसेज देखकर रिप्लाई भी नहीं किया उसने। ऑनलाइन छे तो कॉल करो ने, शुरुआत तो उसी ने की थी ने।
हाय। कौन बोल रहा है? गुड मॉर्निंग मतलब? क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं जानता। तो फिर मैसेज क्यों कर रहे हैं? दोबारा इस नंबर पे फोन किया तो पुलिस को बता दूंगी। हमारे घर में ही रहती है पुलिस, ध्यान रखना। हेलो हेलो हेलो, यू कैरी ऑन। कौन था बेटा? होम मिनिस्टर की डॉटर है डैड। रात को आई लव यू बोलकर मैसेज किया, मैंने मॉर्निंग में कॉल किया तो वार्निंग दे रही है। आई कांट अंडरस्टैंड। इसे कहते हैं पावर। असली ब्रांड का एटीट्यूड है ये। हम जैसे हाई क्लास लोगों के ब्रेन में मामूली फ्लक्चुएशंस नहीं होते, हर एक दो घंटे में मूड स्विंग होता है। वो आखिर होम मिनिस्टर की बेटी है, उसका एटीट्यूड होना जायज है बेटा। उसके एक वार्निंग से डर जाओगे क्या तुम? ये तुम्हारे लिए एक मौका है, तुम्हें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। माय बॉय, ये मेरा जो अंडरवेयर है ना, यू नो इट्स अ स्पेशल एडिशन, सिर्फ अमेरिका के एक पर्टिकुलर स्टोर में ही मिलता है। लेकिन फिर भी मैं हर साल स्पेशली अमेरिका जाता हूँ और इसे खरीद कर लाता हूँ और पुराने फेंक देता हूँ। पता है क्यों? Because that is the passion of brands that I have, my boy. Cheer up, it's okay, dude. देखो, करोड़ रुपए कमाने पर भी ऐसी फीलिंग नहीं आती जो मनपसंद ब्रांड पहन कर आती है। जब इतने पैसे खर्च किए तो सिर्फ कच्चे में घूमना, पजामा क्यों पहनता है? बिजनेस मैग्नेट रतन का बेटा डायमंड होम मिनिस्टर का दामाद है। ये हुआ ना असली ब्रांड। तुम टटे रहना डूड, करेक्ट? ओके डैड, गुड। वैसे अभी हम अचानक मिले ना? यस डैड। तो फिर कम ऑन। शाहरुख खान करता है, एक फिल्म में देखा था। चीयर्स डूड। ओके। अच्छा वो इमरान हाशमी की पिक्चर नहीं देखी? ये उन पर लागू होता है, हम पर नहीं। हाँ। ओ। चेस। ए, ये हमेशा मेरे फोन के साथ क्या करती रहती हो? गेम खेल रही हूँ दीदी, कैंडी क्रश। दो चाय और बना दो बेटे। हाँ। ये तो पूरी पागल है यार। अभी डैड ने समझाया ना कि सारे बड़े लोग मेंटल होते हैं साहब। ये मारूंगा बकवास की तो। अब क्या कहूँ बता? लव यू का है तो आपको भी लव यू टू कहना पड़ेगा ना साहब। मैसेज करो, बताता हूँ। क्यों? पता कीजिए वो कहाँ है, कीजिए ना। वेयर आर यू? मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जाई छे? ओहो, मंदिर तो यही है। जाओ देखो कहाँ है। भगवान, अगर ये लड़की पड़ गई ना तो आपके पास 101 ब्रांडेड नारियल चढ़ाऊंगा। अरे साहब, उस लड़की को ऐसे क्यों देख रहे? वो आपका ब्रांड नहीं है। कुछ नहीं यार, थोड़ा सा अट्रैक्शन। सर, अट्रैक्शन है तो लव कर लोगे क्या? शी इज धारावी ब्रांड। वो देखिए आपका ब्रांड, होम मिनिस्टर डॉटर सर। साहब, कितनी देर यहीं खड़े रहेंगे? जाके ब्रांड को फॉलो कीजिए। जाओ जाओ जाओ। सर, आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड एक दूसरे ब्रांड में मर्ज हो गया हो। सर, अब और नहीं रुक सकता। नो नो नो, ये तो दोबारा फोन कर रहा है। कट क्यों कर दिया? काट दिया तो क्या आप रुक जाएंगे? यू हैव टू रिकनेक्टिंग सर, मतलब अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को एक ही मैसेज में सेंडिंग सर। साहिब, ऐसा बिहेव कीजिए जैसे आपको पता ही नहीं वो कौन है। ठोकरिया सुंदरता जायदाद से ज्यादा दिल देखकर प्यार करती है। मुझे एक्सपीरियंस है साहिब, उसे बताइए आपका दिल सारो छे। ओके। हेलो, मैं तुम्हें नहीं जानता फिर भी तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी उसी पल तय कर लिया कि तुम मेरी हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता, तुमसे शादी करना चाहता। जैसा तुम सोच रही हो मैं कोई टाइम पास के लिए प्यार करने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स अच्छी लगती है तो कॉल बैक करो, वरना ये मेरा लास्ट मैसेज है। हाय। ये कैसा मैसेज भेजा? मेरी दिल की बात है।
ये जाने बिना कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन फिर भी प्यार हो गया। किसे? कैसे कहूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे खिलौना समझाया क्या? मेरी हैसियत जानते हो? हैसियत? हैसियत? What's that? हाँ, फनेला घनेला लोकोपन। What is that? हैसियत मतलब जायदाद, प्रॉपर्टी। नहीं जानता। तो फिर जान लो, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पापा का 30 स्टॉल है। मैं होम मिनिस्टर जी के घर पर खाना बनाती हूँ, बस्ती के बच्चों को पढ़ाती हूँ। लगता है पूरी दुनिया का बोझ इसी लड़की पर आकर गिरा है। साहिब, वो ये टेस्ट कर रही है कि आप उसकी हैसियत से प्यार करते हैं कि उसके दिल से प्यार करते हैं। टेस्टिंग, टेस्टिंग, शी। हेलो, हेलो। हाँ, हाँ। सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। तो आप बताओ, अब भी मुझे चाहते हो? मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड देखकर तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारा दिल देखकर किया है। अच्छा, तुमने कब देखा मेरा दिल? अच्छा, चलो बताओ, करते क्या हो? क्या कहूँ, क्या कहूँ, पूछ रही है कि मैं क्या करता हूँ। एसू करे छे साहब, 30 डॉलर यार। तब मैं बोलो आइसक्रीम बेचो। हाँ, हाँ, ओके। अब आइसक्रीम बेचता हूँ। लगा ही था मुझे लाइन मारने वाला हमारी तरह कोई लो क्लास का ही होगा। साइकिल चला चला कर पैंट फट गई होगी। क्या ही? मेरी पैंट कहाँ? डीपी में। डीपी में? डीपी से समझ आ रहा है कि तुम मेहनत करने वाले इंसान हो, लेकिन प्यार दार के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसे घंटों फोन पर बात करना मुझे पसंद नहीं है, और ना ही फुर्सत है। दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। आई लव यू, आई लव यू। से हेलो, हेलो, हेलो। क्या यार, आई लव यू के मैसेज भेजने के बाद ऐसे बात करनी है जैसे मैं कोई अनजान इंसान हूँ? इतनी आराम से कह दिया, कॉल मत करना। अरे साहब, यही तो है ब्रांड का ताकत। सर, 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 इस ब्यूटीफुल प्रिंसेस को पटाने के लिए साधारण ब्रेन काफी नहीं है, एक्स्ट्रा पावर चाहिए। कोई अच्छा स्पॉन्टेनियस राइटर चाहिए सर। स्पॉन्टेनियस राइटर? यू आर राइट। कोई सॉलिड राइटर को लाकर इस स्टोरी को राइट कराओगे तो ही योर दाल विल ग्लो सर। यू आर राइट मैन। आई एम राइट ना सर? राइट, लेकिन उसका भी ब्रांड होना चाहिए। तुमने पूरी स्टोरी तो सुन ली ना, बताओ क्या करो? दादा, चैटिंग अच्छा से करता है लेकिन फोन पे बैंड बजाता है। कहीं आपके फोन से कोई और तो? मेरे फोन से आप चैटिंग करेंगे क्या? आपका गैर मौजूदगी में इन चोंगू मोंगू ने किया होगा। मैं पहले से कंफ्यूज हूँ, और कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। राइटर हूँ दादा, राइटर। कंफ्यूज कर सकता हूँ डायरेक्टर को भी, प्रोड्यूसर को भी, किसी को भी। तुमने झेलू बहु मुश्किल छे। जल्दी रेडी हो जा, कॉलेज का टाइम हो रहा है। ये देखो मैसेज। हेलो, सॉरी बेबी, रात को उस तरह बात करने के लिए, तब गुस्से में था। लव यू जानू, गुस्सा आ गया। आई विल सेंड सम किसेस एंड हग्स। अबे सु कर सु बोलो। कॉल करूं दादा? मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी मैसेज किया है। ये देखो। तुम पागल हो? रात को कहा था ना, दोबारा फोन करोगे तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। सर, कैंडिडेट थोड़ा हॉटेला लगता है, कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं छे, ब्रांड होम मिनिस्टर की बेटी छे, उसे कैसे भी पटाना है। ओके, चोंगू अगर तूने एक और बार बीच में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अच्छा, और अगर मैंने बोला तो? तो चुप नहीं रहेगा? यू गॉट इट। वैसे लड़की को अपना बैकग्राउंड क्या बताया दादा? आइसक्रीम बेचता हूँ। आइसक्रीम बेचते हो? यस। तो एक काम करो दादा, गाड़ी ले जाकर उसके घर के सामने बेचो। आप आइसक्रीम बेचो? मैं? नो वे। ब्रांड चाहिए तो करना ही पड़ेगा। इट्स राइटर्स राइटिंग्स। क्या है ये सब? मैंने कहा मैं आइसक्रीम बेचूंगा तो मुझे ऐसे बेकार कपड़े पहनाओगे? ये मेरा ब्रांड है क्या? नॉनसेंस। आप ध्यान से देखिए, यूजिंग सारे टॉप ब्रांड्स वी हैव सिलवाते। बजिया ले लो, गो सारे में मर्चा फ्री। ले लो बजिया, ले लो भाई। चोंगू मोंगू ये क्या? मैंने तो नहीं लिखा। शट अप योर माउथ। ये तुम्हारा डिसीजन है और ये हमारे सर का डिसीजन है। राइट, और मैं हूँ वो। कौन होता है डिसीजन लेने वाला?
सर सर सर, आप इस आइसक्रीम का गाड़ी को चलाते हुए उस लड़की के घर के सामने आइसक्रीम ले लो ऐसा चिल्लाते रहो दादा। मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तो फिर कौन करेगा? आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। सर मैं एक राइटर हूँ, मेरे को पर्दा के पीछे रहना चाहिए, सामने नहीं। बेरोजगार राइटर, चुपचाप चला और चिल्ला। हे, पैसे मिल रहे ना, कम ऑन शाउट। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। हाँ, दिस वे। आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। अरे यार, वो एचएमडी अंदर है या नहीं? साहेब, उस दिन एचएमडी के साथ यही छोकरी थी ना, इसे पता होगा कि एचएमडी कहाँ है। वन सेकंड। तुम दोनों जाओगे ना तो लड़की भाग जाएगी, मैं जाता। सर, ऑल द बेस्ट। हाय। ये तो वही है। एक्सक्यूज मी सर, हम बात करते तो भागती ना, आपको तो देखते ही फुर्र हो गई सर। मजाक मत करो। हेलो। हे भगवान, ये तो वही है। कौन बेटी? कल रात कॉल करके मुझसे कह रहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने डांटा तो सुबह सुबह आ गया। अच्छा, तुम्हारे लिए आया है, घर के सामने आकर हॉर्न बजा रहा है। हाँ। तुम जाओ बेटी, मैं इसे देख लेता हूँ अच्छी तरह से। राइटर। हाँ सर। क्या क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं सर, आपके स्वागत में होम मिनिस्टर का बेटी इन लोग को भेजा है। रात को आपने फोन किया था ना, आपके इंतजार में बेचैन है। हा? अच्छा, दौर तरीका, ये कोई मूवी थोड़ी है जो अगला सीन पहले ही पता होगा। लाइव है, मुझे क्या पता। सर, सिंगर इज कमिंग विद डंडा। भाई दर्शु, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता था। वक्त पर हॉस्पिटल आने की वजह से खतरा टल गया है। अब से इनका ध्यान रखिएगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती। सिस्टर, टेक केयर। हॉस्पिटल कौन लेकर आया? साहब, मैं सोच रहा था कि ढोकला खा के आते हैं ना। हेलो, काम का समय कोई खाने का नाम नहीं लेगा? वही है। एक आइसक्रीम बेचने वाले ने हॉस्पिटल में कॉल करके एडमिशन करवा के ट्रीटमेंट करवा दिया, यकीन नहीं होता। अरे बोलूं दा, इनके पिताजी विप्रो के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, उनके पास हेल्थ केयर लाइफ इंश्योरेंस है, मुसीबत के वक्त कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए पॉलिसी का इस्तेमाल आज किया है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर माना है। अरे बोलूं दा, बोलूं बोलूं बोलूं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया ना, तभी यहाँ कहा। समझ नहीं आ रहा कि आपसे थैंक्स कैसे कहूँ। राधा मेरी क्लोज फ्रेंड है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, और इसकी माँ भी नहीं है। अगर इसके पापा को कुछ हो जाता तो ये सहन नहीं कर पाती। सच में आपने बहुत बड़ी मदद की है। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो हमारा फर्ज था। यू नो, मेरे पापा होम मिनिस्टर हैं। जानता हूँ। कैसे? वो मतलब एडिडास लोगों को नहीं जानता, लेकिन लोग तो एडिडास को जानते हैं ना। मतलब पीपल्स नोइंग एडिडास बट एडिडास नॉट नोइंग द पीपल्स। ए मैडम, बात कर रही है ना, आप कहिए ना। वैसे आप रहते कहाँ हैं? हमारे टी स्टॉल के पास ही। तो फिर मिलते रहेंगे, कभी कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू। ये क्या है? आई लव यू से आई लाइक यू पर आ गई, अब ये क्या नया नाटक है? अरे वो सब छोड़िए सर, कल वो आपको हमारा आइसक्रीम का गाड़ी पे आके मिलेगा, मतलब वो कभी भी आएगा, हमें तैयार रहना है और तब तक आपको इसी गेटअप में रहना है। Thank you.
क्या है साहिब? फोन। कौन है? एचएमडी। उठा। गुड मॉर्निंग। शॉप ओपन कर ली? आइसक्रीम की गाड़ी? नहीं, सामान लोड कर रहा हूँ। वाओ, डेवलपमेंट। मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? पूछो। क्या देखकर मुझसे प्यार किया? तुम्हारा मैसेज देखकर। क्या मैसेज? मतलब दिल। हार्ट, हार्ट। मतलब तुम्हारा दिल देखकर। मेरा दिल? हाँ, वही देखा था। तो कब हाँ कहोगी? अभी तो पसंद करना शुरू किया है, वेट करो। करूँगा। तुम्हारे प्यार और ब्रांड के लिए कितने भी दिन वेट कर सकता हूँ। ठीक है, शॉप के पास ही रहना, देख कर निकल जाऊंगी। सर, वो लड़की इज कमिंग, आप जल्दी से कम हियर। अरे हाँ, जल्दी आओ छो साहब। हाय। हाय। क्या आपकी गाड़ी यही है? बहुत अच्छी है, इट्स सो क्यूट। आइसक्रीम के ठेले को क्यूट बोले छे? अक्कल है नथी। पावनी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए ही आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। देखा, कवर कर रही है मेरे लिए आकर। अच्छा सुन, शाम को एमएलए मोहन जी के घर पर फंक्शन पर जाना है। वो तो रॉक गार्डन में है ना? तुम्हें कैसे पता? आइसक्रीम कॉन्ट्रैक्ट। आइसक्रीम कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। अच्छा ठीक है, शाम को कौन सी ड्रेस पहनूं? ये वाली या फिर ये वाली? बेबी पिंक बेस्ट रहेगा, इवनिंग है ना, लाइट कलर अच्छा लगेगा। कितनी आसानी से सेलेक्ट कर लिया, मेरे होने वाले हस्बैंड को भी तुझे ही सेलेक्ट करना है। तू हाँ करेगी तो ही शादी करूंगी। ठीक है। अच्छा सुन, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, बाय। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बाबू। ओनली बाबू? क्या है ना, घर वालों ने पेट नेम दिया और बाहर वालों ने वो ही पकड़ लिया, बाबू। अच्छा है, थैंक यू। सर, HMD is looking like flower but behaving very clever. मेरे पति को बस तुझे ही सिलेक्ट करना है, ऐसा उसने राधा से क्यों कहा? कहीं वो आपको कोई हिंट तो नहीं दे रही थी? दादा, तुम मेरे को डायरेक्ट नहीं बल्कि मेरा फ्रेंड राधा के जरिए आकर मेरे को इम्प्रेस करो, ऐसा हिंट देकर गया है आपको। राइटर सटिया क्यों छे? चुप कर चंगू। मतलब प्यार, मतलब गुस्सा, समझा कि नहीं? अरे बाबा, अभिनय का 9 रस होता है, उसमें से 2 रस ये है। ए रसगुल्ले, शट अप। चुप रहे होंगे, ये फालतू लोगों के लिए नहीं है, ये दादा को समझ में आ गया, यही बहुत है। मतलब मुझे राधा को भी इम्प्रेस करना? हाँ दादा, सिंपल। नो वे, मैं नहीं करूंगा। ये क्या है? भिंडी की चटनी है सर। भिंडी का कौन सा ब्रांड डाल रहा है? अरे साहब, ए भिंडी में कौन सा ब्रांड होता है? ईस्ट गोदावरी ब्रांड की भिंडी में ज्यादा टेस्ट होता है। वो खरीद कर लाओ और वही पकाओ, जाओ कह दो। बैगन के भरते का भी ब्रांड होएगा और व्हाट सर? होता है। ए डायमंड, ये क्या है? व्हाट्सएप डैड, मैसेज भेज सकते हैं इस पर। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हे, मैं ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, ऐप में जो पिक्चर आई है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। उस होम मिनिस्टर की बेटी और SVR कंस्ट्रक्शंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे की मैरिज फिक्स करने वाले हैं। एक मीडिएटर बोल रहा है जोड़ी कंफर्म हो चुकी है। दिस इज टू मच डैड। अरे टू मच थ्री मच क्या होता है, इमीडिएटली बहू को लाइन पे लेकर आओ और एंगेजमेंट की तैयारी कर लो। 2 दिन में मुझे रिजल्ट्स चाहिए, आई बात समझ में? ओके डैड, गुड। ओके, वैसे अभी हम अचानक मिले ना? अब कम ऑन डैड। यस सर। आप अनजाने में नहीं आए थे, व्हाट्सएप का मैसेज दिखाने आए थे, जानकारी आए, जानकारी मुलाकात हुई। दिस टाइम में भी गले लगना इज नॉट जरूरी सर। जी सर। हाँ। हम सर से मिलेंगे यही सोच कर तो आए थे। ओके ओके, स्मार्ट बॉयज, मस्त है। बहू को कॉल करके कंफर्म कर लो। यस डैड। ओके ना, श्योर, लेट्स गो। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। ये सब हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं सर, अगर होम मिनिस्टर की बेटी को ये मैसेज दिखा दिया और वो मान गई तो हम गए, गेम खलास। नाउ यू हैव टू मानो मेरी बात। स्लमडॉग मिलियनेयर की तरह राधा के पास जाकर फ्रेंडशिप कड़क बना लीजिए। मॉर्निंग में उसे गिफ्ट्स गिविंग, शाम में दिल की बात बताएंगे। राधा को आइसक्रीम की गाड़ी वाला प्लान क्लियरली एक्सप्लेन करके होम मिनिस्टर की डॉटर के करीब पहुँचाने की रिक्वेस्ट कीजिए सर। जी साहब, ऑलरेडी HMD ने सिग्नल तो दे ही दिया है, अगर राधा पड़ गई तो HMD भी पड़ ही जाएगी ने। Let's start Operation Slumdog. Hi. Hey, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ये देना था। ये क्या है?
कुछ नहीं, छोटा सा गिफ्ट है बस। मैं गिफ्ट नहीं लेती। प्लीज मना मत कीजिए, पहली बार ये इतने दिल से किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, इसलिए आप मना मत कीजिए, ले लीजिए प्लीज। ए तू बोल ले, फ्रेंडशिप की शुरुआत है ना, सर से क्लोज यू कमिंग एंड सर क्लोज टू एचएमडी। कुछ नहीं ले लो प्लीज प्लीज, अगर तुम्हारी माँ ने दिया होता तो मना करती क्या? प्लीज ले लो। थैंक्स, ब्यूटीफुल। वन सेकंड, तुम्हें भी गिफ्ट देना चाहती थी, ये लो। ये क्या है? हमेशा फटे हुए कपड़े, पैची कपड़े देखकर अच्छा नहीं लगता। ग्रांड रोड से लेकर आई हूँ। ग्रांड रोड से लाई? हाँ। कौन सा ब्रांड? गोकुल ब्रांड है साहब। वो तो कोई चाट की दुकान है ना? सुबह चाट बेचते हैं, शाम को शर्ट। ब्रांड क्यों देख रहे हो? कॉस्टली होगी इसलिए। 400 के 2 शर्ट खरीदे हैं तुम्हारे लिए। सुनिए साहब, ओरिजिनल बॉस थे, 1 का 20,000। 4 ले लो। ए, क्या हो गया? फंटाबुलस, माइंड ब्लोइंग, ओवरफ्लोइंग। सच कॉस्टली शर्ट्स, इतने अद्भुत कॉस्टली ब्रांड्स को तो इसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। बट आफ्टर यू गेव इन दिस खुशी, अगर हार्ट अटैक आ गया तो डोंट बी सरप्राइज। चल भाई, इस खुशी में हम भी गोकुल में जाकर चाट भी खाते और शर्ट भी खरीदते, क्या बोलता है? तू रो मत यार, शायद इतने कॉस्टली कपड़े कभी देखे नहीं है। अगर आपको कपड़े चाहिए तो डांसर राधा का नाम बताइए, डिस्काउंट देंगे। ओके बाय। ब्रांडेड बैग 1.5 लाख का होगा, किसने दिया? ए पागल है तू, इतना कॉस्टली क्यों होगा? 200-300 का लगता है। हेलो वेट, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, अभी दिखाती हूँ। देखो ये क्या है? बैग है। कौन सी कंपनी का है? कितने का है? 100-150 का होगा। झूठ कहा तो मारूंगी। 500-1,000 का। मुंह तोड़ दूंगी। तुम बताओ कितने का है? वो 1.5 लाख है ना? क्या सच में तुम आइसक्रीम बेचने वाले हो? इसलिए पावनी को लेकर आई हूँ, इसी के सामने तुम्हारा असली रूप बाहर आना चाहिए। उसके गुस्से के बारे में तुम नहीं जानते, पता चला कि मुझे चीट किया है तो माफ नहीं करेगी। क्यों खरीदा, कैसे खरीदा? कैसे खरीदा? पैसा देकर। ये पावनी जी का तरफ अमीर नहीं है, हमारे जैसा गरीब आदमी है। गरीब है तो इतना महंगा बैग कैसे खरीदा? खरीदेगा बाबा, खरीदेगा। दादा का प्रेम ऐसा ही है, प्रेम के लिए कुछ भी करेगा। सुबह अखबार डाल के, दोपहर को आइसक्रीम बेच के, शाम को इडली बेच के, रात को रिक्शा चला के, आधी रात घर आके आधा घंटा सो के दोबारा अखबार डालने पर कोई भी खरीद सकता है ये बैग। इतनी मेहनत करके महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत? बोला ना बाबा, प्यार से उसको पाने के लिए सिर्फ अपना प्रेम का नहीं, साथ रहने वाले का भी ख्याल रखना चाहिए। और किसी महान राइटर के कहने पर यह इतना मेहनत करता है। राधा, जिसको समझना चाहिए वो समझ जाए तो बस। देखिए पावनी मैडम, आप ये मत देखो कि इतना महंगा बैग खरीदा कैसे, ये देखो कि प्रेम के लिए कितना मेहनत करता है। अगर आप और राधा इसका प्रेम को समझ जाओ तो इसका लाइफ एकदम बराबर हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव, टेल ट्रूथ, ऑल द बेस्ट। अरे वाह, मेरा काज हो गया। क्यों दादा? सिर दर्द हो रहा है। क्यों? क्यों क्या? सब कंफ्यूजन हो गया। सुबह सुबह बाल डालता है, दोपहर को आइसक्रीम बेचता है, शाम को इडली बेचने जाता है, कितने झूठ बोलेंगे? और ऐसे नहीं चलेगा, उसे सच बताना ही होगा। ये दुकान मैं आज से बंद कर दूंगा। तो फिर करेंगे क्या सर? मुझे एक 5D कैमरा चाहिए। मेरा नाम डायमंड है, ही इज माई फादर रतन। ये हमारी फैमिली है, डायमंड ग्रुप ऑफ कंपनीज MD। गूगल में सर्च करोगी तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू पता चलेगी। इतना हाई क्लास पर्सन होने पर भी
मैंने तुम्हारे लिए एक लो क्लास नाटक किया, लेकिन तुम्हारी आंखें देखकर तुमसे झूठ नहीं कह सकता, इसीलिए अपनी सच्चाई बता रहा हूं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, इसीलिए तो सड़क पर आइसक्रीम बेचने के लिए भी मैं तैयार हो गया। तुम्हारी खूबसूरती देखकर, तुम्हारी जायदाद देखकर, तुम्हारे पापा का बैकग्राउंड देखकर तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हें और तुम्हारे बिहेवियर को देखकर पागल हो गया हूं मैं। ये तुम्हें बहुत पसंद करता है और हम उससे भी ज्यादा। अगर तुम इस घर की बहू बनकर आओगी तो तुम्हें बेटी से बढ़कर प्यार देंगे। वैसे अगर आपके फादर देख रहे हैं तो उन्हें एक बात कहनी है। समधी जी, हम मनी की नहीं मनुष्य की और उसके मन की इज्जत करने वाले लोगों में से हैं। अगर आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो आपसे ज्यादा प्यार देंगे। इट्स अ प्रॉमिस। तुम हमारे घर आओगी तो हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हमारे भैया बेड कॉफी से लेकर बाथरूम के कमोड तक सब ब्रांडेड ही यूज करते हैं। यस मैम। जिस कपड़े से घर साफ करते हैं वो भी ब्रांडेड है। अरे इतना ही नहीं, सारे बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर है ये पूरी फैमिली। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके अपने पापा को मना लोगी तो इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं होगा। स्वागतम स्वागतम बहुरानी, इस घर की हम सबकी युवरानी। स्वागतम स्वागतम बहुरानी, इस घर की हम सबकी युवरानी। निकली है तू जहाँ देख के तुझे शर्म भी शर्माए, जल्दी से लेके तुम अपने शुभ कदम आओ मेरे घर पे। स्वर है तू कोई नी, सपना है नील गगन का, उजले तो लगे नदियाँ बल खा के चले। स्वागतम स्वागतम बहुरानी, हमारी लक्ष्मी सौभाग्यवती युवरानी। अरे आइए आइए बहुरानी, हमारे युवराज की युवरानी। पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे इसीलिए आज आपकी किस्मत चमकी है। आपके दुख देखकर ही भगवान ने इन लोगों को यहाँ भेजा है। देखो वेंकट, बेटी का बड़े घर में रिश्ता हो गया है, करोड़पति दामाद है करोड़पति। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा परिवार है, इन लोगों को मेरी बेटी चाहिए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। तो खुश तो है ना राधा, बता ना। ये तो सच में रियल हीरो निकला, हम सब तो मूवीज में ही देखते हैं ऐसी फैमिली और ऐसे लोग। सुनना, तुझे पाने के लिए किस्मत होनी चाहिए, क्योंकि हमारी राधा तो करोड़ों में एक है। पावनी बस करोगी? नहीं बिल्कुल नहीं करूंगी, इसी वक्त बाबू को फोन करके हाँ कह दो। हेलो। प्लीज नो मत कहना, मेरे मॉम डैड तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज। वो बाबू तुम इसे बहुत पसंद हो, इसके पापा को भी बता दिया है, अब तो तुम एंगेजमेंट की तैयारी करो बस। बस अब सेलिब्रेशंस होंगे। डैड, दैट ब्रांड इज ऑस। आप इसे रो क्यों रही हैं जी? लगा था इसे मना कर देगी, इसकी टेंशन हो रही थी। होम मिनिस्टर की इकलौती बेटी ने हाँ कह दी। ये दुख के नहीं, आनंद के आंसू है पगली। हे भगवान, थैंक यू। अरे आइए आइए बहुरानी, हमारे युवराज की युवरानी। देख लिया ना शिवा, इस वीडियो में यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब लोग इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मैं उस कंपनी में ट्रिपर चलाता हूँ, हम उन लोगों को ठीक से देख भी नहीं पाते, और ऐसे में तुम उस घर की बहू बनने वाली हो। पापा वही है। फोन उठाओ बेटी। हेलो। डैडी ने एंगेजमेंट फिक्स कर दी है, कल सुबह 10 बजे, ठीक है ना?
सुनो बेटा, 100 साल में एक बार आता है ऐसा मुहूर्त, एक बार मिलेंगे तो जिंदगी भर अलग नहीं होंगे, कह दो उनसे। ओके, सुन लिया ना? हाँ, कह दो, एक बार समधी जी से बात करवाओ। डैड, होम मिनिस्टर जी बात करना चाहते हैं। ऐसे कह रहा है जैसे कोई चाय वाला बात करना चाहता हूँ। लाए दर जी, नहीं, मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल सुबह 9 बजे के बाद ही अमृत घटी है। ठीक है, सब कुछ हमारे भले के लिए है ना, लेकिन कहिए कि शगुन हम काली माता के मंदिर के पास ही बदलेंगे। हाँ, मंदिर, काली माता का मंदिर कह रहा है? मिनिस्टर साहब का सेंटीमेंट होगा। ए, मिनिस्टर जी का ब्रांड हमारा होना चाहिए, शादी 5 स्टार में हो या किसी मंदिर में, हाँ कह दो। हाँ, ओके। बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जीजू? हे, तुम्हारी बुआ कहाँ है? मिठाई लेने गई है। ये अच्छा किया उसने। चलो पार्टी करते हैं। चलो चलो। I love you. I love you too. कल मंदिर में मिलते हैं। ओके, बाय। चलो चलो, टाइम हो गया है। उस कार में साहब। अरे जल्दी चलिए, संधि जी वेट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। दाहिना पैर आगे रखकर ऑटो में बैठना बेटी। अरे वहां वेट करने वाले होम मिनिस्टर है, कोई चाय वाला या कबाड़ी नहीं है। अब तुम चलोगे? होम मिनिस्टर जी की बेटी की सगाई में कोई नहीं आया, कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं होगी? उनके साथ आ रहे होंगे। आप सही कह रहे हैं। अब वो देखो आगे। सर कांग्रेचुलेशन। सर कांग्रेचुलेशन, यू आर समिट योर होम मिनिस्टर। वाह, देखो ब्रांड फैमिली आ गई। सर सर सर, वो गाड़ियां तो वापस जा रही हैं। उन दोनों को यहाँ ड्रॉप करके वो गाड़ियाँ तो वापस चली गईं। कम इधर, वेयर यू गो? ब्रांड फैमिली एंगेजमेंट इधर है। हेलो, अरे हेलो। रुक जा यार, वो लोग पार्किंग करके आ रहे होंगे, कोई दूसरा रास्ता होगा ना, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, यू डोंट नो। आई थिंक यू आर राइट डैड, यू आर राइट। कैसे सिक्योरिटी रीजन सर, हम लोग यहाँ तो फिर सिक्योरिटी की क्या? मुझे ही दिमाग में लाखों डाउट्स आ रहे हैं और तू पचड़ कर रहा है। आने दो, सामने सामने पूछ लेंगे। बकवास कर रहा है फालतू। बेटा जगह तो यही है ना? यही जगह है डैड, यही है। ये गंदे लोग कौन है? हाँ, मैं आ भी गया छू, ब्रांडेड आ रहे, किसको पहना ने? अब रुक जा कहते इडियट। राधा, उसके पिताजी, हर फैमिली, असली बैच तो पीछे चला गया। व्हाई दिस पुअर पीपल्स कमिंग आगे? बस्ती मंडली लग रही है। नमस्ते आंटी। ए, जीती रहो। नमस्ते आंटी। बहुत सुंदर लग रही हो, बाबू जैसे ही देखेगा फिदा हो जाएगा तुम पर। तू चुपचाप क्या देख रहा है? उस लड़की को फोन कर, इन सबको पीछे भेज कर उन्हें आगे आने को बोल। ओके। दीदी, जीजू का फोन है। हेलो। हेलो, पावनी? पावनी नहीं हो? पावनी मेरे साथ है। तो फिर फोन तुमने क्यों उठाया? मेरा फोन मैं नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा? मर गया। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हर रोज बात करते हैं ना हम तो। ये मैं हूँ राधा। मगर ये फोन राधा का है, कांट यू सी क्लियर? सामने रहकर फोन पे बातें कर रहे हो? आ रही हूँ, रुको। कीप डाउन फोन, सब बर्बाद हो गया।
सर गो टू कॉर्नर एंड बनाओ मातम, आज के लिए इतना ही काफी है। साइलेंटली क्यों चला गया वो? शायद कुछ ऐसा सुन लिया जो सुनना नहीं चाहिए। फोन पर इस तरह अत्याचार क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि बाप को हार्ट अटैक अबाउट टू हैपन, सो बेटा इन टेंशन। अनजाने में डायरेक्ट हो गया, अब खुद जाकर उनकी बात सुन लीजिए, हमारा कोई संबंध नहीं है मोटा साहब, जाइए। सही है सर। जाओ मोटा साहब। अरे अरे आईफोन है बेटा, ब्रांड टूट जाएगा। ब्रांड तो ऑलरेडी टूट गया है। क्या? मैंने होम मिनिस्टर की बेटी से प्यार नहीं किया है, चाय बेचने वाले वेंकट की बेटी से प्यार किया। और अपने ब्रांड का क्या होगा? चाय बेचने वाले वेंकट जी की दामाद बनेंगे। चाय चाय गरम चाय, गर्मा गरम चाय। इंटरवेल के बाद आपका स्वागत है। राधा की फैमिली ने रतन की फैमिली को जो शॉक दिया, उसके बाद ये फौरन मंदिर से भागकर घर लौट आए। मॉक्स ब्रांडेड और माल डुप्लीकेट। साहब कल 10 तारीख मेरी बेटी की शादी है, आप शादी में आओ। देखा तेरी हरकतों की वजह से होने वाला साइड इफेक्ट? मुझसे बात करने से पहले 10 बार सोचने वाला वेंकैया आज उसके घर की शादी के लिए 10 रुपए का कार्ड देकर अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे दावत दे रहा है। सॉरी डैड, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। कैसे हो गई गलती? एक लड़की के बात करने का तौर तरीका, भाषा, स्वर, रिचनेस, ये सब पता करना चाहिए था ना। आइटम को सिर्फ छू कर ये ब्रांडेड चीज है या नहीं ये बताने वाला फोन पर उसकी आवाज सुनकर कैसे पता नहीं कर पाया, समझ नहीं आ रहा है। उसने चाय का स्टॉल लगाया, तूने आइसक्रीम की दुकान लगा ली, शर्म आनी चाहिए। इस दिन के लिए डायमंड नाम रखा था तेरा। आई एम सॉरी डैड, वैसे भी मैंने उस लड़की से प्यार नहीं किया। अपनी आधी शक्ति वही है अभी। 100 ब्रांडेड आइटम्स के बीच एक डुप्लीकेट आइटम आ जाए तो हम क्या करते हैं? उसे घर से बाहर फेंक देते, इट्स ओके। लेकिन ये लड़की को क्या समझकर फेंकेंगे? अरे हाँ वेंकैया, तुम्हारे घर में शादी है नहीं? अब कभी अपने घर की शादी या फंक्शन में हमें मत बुलाना। अगर हम कहेंगे हम आएंगे तो कहना आप हमारी शादी में कैसे आ सकते हैं सरकार, और गलती से आ भी जाए तो कहना आप हमारे यहाँ भोजन कैसे करेंगे, ये कहकर भगा देना। Disgusting. उसने हमारी बच्ची का हाथ मांगकर हमारी बेइज्जती की, सेकंड्स में मंदिर से गायब होकर फोन काट दिया उसने। क्या समझते हैं वो? हम कुछ कर नहीं सकते हैं या हमसे कुछ होगा ही नहीं। अरे शिवा, कुछ तो हुआ ही होगा ना, गुस्से से नहीं शांति से सोचो। हाँ भैया, बड़े लोग हैं, हो सकता है इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम हुई हो। उनके पास जाकर शांति से बात कीजिए, यही जरूरी है वेंकट। जैसा आप ठीक समझे। अब चलो हम वहां चलकर देखते हैं। सुनिए तो, हेलो। है सर पे मुसीबत का टोकरा रख दिया है। व्हाट डैड? क्या व्हाट व्हाट? यहाँ बस्ती बैच पहुंच चुका है। बस्ती बैच? कौन डैड? तेरा बाप, तेरा ससुर डायरेक्टली मेरे चेंबर में टी स्टॉल खोलने आ रहा है। अरे भाई, हम लोग कब तक ऐसे वेट करेंगे? आप उनसे कोई बहाना बनाकर उन्हें भेज दीजिए ना प्लीज। कुछ कहने के लिए उनके शरीर पर ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए ना, नहीं तो जानता है ना मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। What do I do? मैं कुछ नहीं जानता, तू नहीं यहाँ से भगा रहा है, this is final. One second, Dad, please. रख दिया। दीदी, जीजू का फोन है, बात करो ना। हेलो। हाय राधा, ठीक हो ना? ठीक हूँ। वो कुछ नहीं, वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम दोनों के बीच जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, मैं नहीं जानता था वो तुम थी, कोई और ही समझकर प्यार कर बैठा। उस लड़की के करीब आ रहा हूँ सोचकर तुम्हारे करीब आ गया, तुमसे दोस्ती भी उसी के लिए की थी। नहीं तो मेरे स्टेटस वाला कोई आदमी तुमसे भला क्यों बात करेगा, ऐसे में शादी कैसे कर सकते हैं? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जरा सीरियसली सोचो, और मेरे एंगल से सोचकर मैच्योरली सब भूल जाओ। हेलो, हेलो, यू आर देयर राइट? तुम्हारे पापा मेरे डैड से मिलने हमारे ऑफिस आ गए हैं,
वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं। तुम्हें एम्बैरेसिंग का मतलब नहीं पता होगा। वन सेकंड, कहाँ गए थे? एम्बैरेसिंग का मतलब क्या? मतलब शर्मिंदगी। हमें बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है। जो हुआ उसे सीरियल का एपिसोड समझकर भूल जा। अगर फ्यूचर में तुम्हारी शादी हुई ना तो ब्रांडेड साड़ियां भिजवाऊंगा मैं। ओके? स्वागतम स्वागतम बहुरानी, इस घर की हम सबकी युवरानी। अपने पूरे परिवार समेत एक गाना रिकॉर्ड करके बहू को निमंत्रण देने वाले बड़े लोगों के शगुन के वक्त आखिर गायब होने का कारण है क्या? एक चाय वाले की बेटी के साथ डायमंड ग्रुप के एक लौदे वारिस ने क्यों इस प्रकार ऐसे खेला, ये हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। ये मीडिया के पास कैसे चला गया? सर किशोर, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? टीवी देखा? अर्जेंटली ये रोकने का कॉल, डू इट नाउ। सर आपके बोलने से पहले ही कॉल किया था सर, लेकिन लाइव में मुश्किल है, ऐसा कह के काट दिया। स्वागतम बहुरानी। राम बाबू कहाँ है? कुमार कहाँ है? क्यों, क्या हो रहा है यहाँ? मेरा एक नाम है, ब्रांड है, अगर उसे डैमेज किया तो चैनल का भी लिहाज नहीं करूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा, केस फाइल करूंगा। सर आपके खिलाफ कंप्लेंट इन्होंने की है, अब आपको जो भी बातें करनी है इनके सामने लाइव आमने सामने बैठकर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। बिजनेस टाइकून अवार्ड लेकर बीबीसी प्राइम टाइम में बैठना चाहता था, लेकिन आज चाय वाले के पास बैठना पड़ रहा। कर्मा कर्मा। हेलो मास्टर, आप अपनी जगह रहिए और हमें अपनी जगह रहने दीजिए। कहाँ है तुम्हारी जगह, कहाँ है बताओ मुझे। मेरे पास एक ब्रांड है, इट्स कॉल्ड डायमंड। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? सर आप ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते। द पॉइंट इज, मेरे बेटे ने इनकी लड़की से लव नहीं किया था, दैट्स इट। तो किससे लव किया था? ये क्या है, वो सारे वीडियो देखने के बाद भी ये सवाल कर रही है? अरे अकल के दुश्मन, वो टी स्टॉल वाले की बेटी के लिए नहीं, उसने जिससे प्यार किया था उसके लिए था। तो बताइए वो लड़की है कौन? दरअसल वो पर्सनल है, नाम नहीं बता सकते। सर अच्छी कहानी बना लेते हैं, हमसे अच्छा रिश्ता आने की वजह से सडनली शिफ्ट हो गए। तुमसे अच्छा रिश्ता मतलब क्या है? मूंगफली की दुकान, सब्जी मंडी, टिफिन सेंटर या क्या है वो, बताओ ना मुझे। एक बात देखिए, इनका बेटा हमारी बेटी से बहुत प्यार करता था। सामने वाले के शरीर पर ब्रांडेड कपड़े देखकर मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पीने के पानी से लेकर निकालने के लिए कमोड तक हर चीज में ब्रांड चाहिए। इसका ब्रांड नहीं होता, उसे इंसान नहीं मानते हम। ऐसे में मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से डीपली लव करता था? नॉनसेंस। ये देखो 10 लाख ओरिजिनल ओमेगा। क्या हुआ, काम नहीं कर रही है? रास्ते का माल है ना, 150 रुपए में खरीदी होगी डुप्लीकेट। तुमने इसे असली समझकर हमारे साथ यहाँ बिठा दिया बात करने के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसे ही चेहरे आपके स्टूडियो में दिखते रहे तो आपके प्रोग्राम के कमर्शियल ब्रेक में हमारे ब्रांड का एड देने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। स्टॉप दिस नॉनसेंस। सर सर सर, मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी के बारे में सोचिए। शादी का नाम मत लो, इरिटेशन होती है। वैसे भी ऑटो चलाने वाले को ऑटो वाले की बेटी से ही शादी करनी चाहिए, ऑटो मिल जाता है दहेज में। जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो, हमारी बराबरी करोगे तो मुंह के बल गिरोगे, समझ गए? देख लिया ना, पैसों का अहंकार और ब्रांड का घमंड। तो फिर अब आप क्या करना चाहते हैं? उनके पैसों से हमारा स्वाभिमान बढ़ा है ये साबित करके रहेंगे हम लोग। सुनिए, आज जहाँ हमारी बेटी है वहाँ कल आपकी बच्ची हो सकती है। सामने वाला कोई सुपर आओ या पराओ हो सकता है, पर सहन नहीं करना। गरीब लोग इंसान नहीं एक ब्रांड हैं, ये साबित करते हैं। सारी फैमिली का समाज से बहिष्कार करते हैं। गरीब और मध्य वर्गियों को उनका कोई भी काम करने से रोकेंगे। जय जीएम, जय जीएम। जीएम, जीएम मतलब? गरीब मध्यवर्गीय, अभी बनाया है। जय जीएम, जय जीएम, जय जीएम, जय जीएम, जय जीएम। देखा आप सबने, एक गरीब का गुस्सा, अब देखते हैं इनकी ये आवाज कहाँ तक पहुँचती है। ऑल द बेस्ट टू जीएम। चलो समाज बहिष्करण।
समाज बहिष्करण। समाज बहिष्करण। दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो, क्या है? वो आप पर गुस्सा था, इसलिए आपसे छुपकर फोन पर उससे मैंने ही चैट किया था। I'm sorry, दीदी, I'm sorry। ठीक है, ये बात किसी को मत बताना, जाओ। तुमसे अभी मिलना है। क्यों? एक बार मिलकर हमारी जिंदगी टीवी पर उछाल दी, उससे जी नहीं भरा, अब और क्या करना बाकी है? अरे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है। एक बार मिल लो प्लीज। ओके। तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। समझ नहीं आ रहा किससे कहूं। मां होती तो जोर से पकड़कर रो लेती। इस झगड़े को बंद करने के लिए कुछ करो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरी वजह से सबकी बेइज्जती हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं काम करूं, एक लेटर में गलती मेरी है ये लिखकर मर जाऊं? ए, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा किया तो मैं और फंस जाऊंगा। देखो, तुम्हारी फैमिली को पैसा चाहिए, हमारी फैमिली को इज्जत चाहिए। अगर हम इस मसले को ठीक से सुलझाएंगे ना, तो वो सब लोग, वो सभी जिन्होंने हमें गाली दी थी, वही हमें भगवान मानने लगेंगे। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा मिलने की कोशिश मत करो। अगर किसी ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच सचमुच कुछ है। क्या है? इन कपड़ों में काफी अच्छे लग रहे हो। ब्रांडेड, लंदन का ब्रांडेड लुक ऐसा ही होता है। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों उतर गया है? खाना नहीं खाया क्या? कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई बात नहीं, निकलती हूँ। अब भूख लग रही है, जाकर खा लूंगी। एक सेकंड। ए, आपने? सर। थैंक यू। सबवे रैप फूड का अच्छा ब्रांड है, ये तो मेरा बिल्कुल फेवरेट है। ये लो, खा लो, हेल्दी फूड है, खाओ, बहुत अच्छा है। तुम भी खाओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। आर यू सीरियस? चलो। ये लो, पहले तुम खा कर दो ना। नहीं, तुम खाओ पहले। अरे, और खाओ ना। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे बीच सड़क पर किसी लड़की के साथ मैं खाना खा रहा हूं। खाओ। तुम खाओ ना, तुम्हें भूख लगी है। वहाँ इसका बाप एंग्री गेटिंग और यहाँ बेटा डूइंग ए सेटिंग सेटिंग।
मिनट। It's okay, keep it. नहीं नहीं, अगर हम जैसे लोगों के पास ये चीजें रही तो इनकी कीमत नहीं रहेगी। You're right. Thank you. कॉफी, अरे कॉफी लाओ। कॉफी चाहिए? मॉम, मॉम, डैड कॉफी कॉफी चिल्ला रहे हैं। पता है, बाद में पेपर मांगेंगे, फिर टिफिन देने को कहेंगे और फिर कार निकालने को कहेंगे, पर लोग तो होने चाहिए ना। लेकिन सब कहाँ गए? स्ट्राइक पर हैं सर, रात से सबने काम छोड़ दिया है। इनका कहने का मतलब ये है कि अब वो आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं। जी सर, अगर रात को आपके डैडी ने टीवी पर वो सब नहीं किया होता तो अब तक आपके लिए उपमा बना दिया होता। साहेब, मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूँ, समाज बीजकरण, आपके जैसे बढ़ेला घड़ेला लोगों को नहीं समझेगा, मतलब बॉयकॉट। ऐसा पोस्टर हर वॉल पे चिपका दिया है, सब जय जीएम बोलकर गूगल करे छे वॉल पे चिपकाए छे, गूगल करे छे वॉल पे चिपकाए छे, गूगल। मेरे को मारने से आपका प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगा। चाचू, ये क्या हुआ? आज सुबह जब मैं जॉगिंग पे गया, उस डायमंड रतन के भाई तुम हो ना। ए, ये क्या बदतमीजी है? अरे अरे छोड़ो, अरे मेरे ब्रांडेड कपड़े ले गए। सबने बहुत कुछ देख लिया, अब चलिए। डैडी का तो फिर भी ठीक है ब्रो, मेरे सोशल मीडिया ग्रुप में तो मेरी बैंड बजा दी है। एक कॉमन मैन, दैट टू अ पुअर पर्सन, एक रात में इतना सब कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे डैडी ने किया। गरीब लोग हैं ये सोचकर पता नहीं उन्होंने क्या अनाप शनाप कह दिया उन्हें। कॉमन मैन के हटी तो आपकी फटी साहब। नए नोट, तुमने जिंदगी में कभी इतने एक साथ नहीं देखे होंगे। जितनी अय्याशी करनी है कर लो, इसमें से एक एक नोट खर्च कर देना। मुझे नहीं चाहिए। ए, पैसे पूरे 10 लाख हैं? 10 लाख नहीं, 20 लाख चाहिए मुझे। 20 लाख चाहिए मुझे। वाह, क्या कहने, नहीं तो सडनली तेरी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती, पता है? वाह भगवान, क्या रूप बदला है। मुझे पता था कि ये पैसा देखते ही जी बाहर निकालकर हमारे तलवे चाटने लगेगा। अगर मैं इसे पैसे देने से मना करता तो मुझे इसकी खिदमत करनी पड़ती, इज्जत करनी पड़ती और पता नहीं क्या क्या। उठा ले, सारे के सारे उठा ले तू, लेकिन मना करके झटके मत देना। तो ऐसे ही पावली और अठन्नी के लिए लालची होता रहे और हम फेंकेंगे और अपना काम निकालते रहेंगे। That is how it is. सारे पोस्टर हटाकर टीवी पर गलती हो गई माफ कीजिए कहकर लड़की को नए काम पे लगाओ। चलता हूँ। अरे भगवान, 10 नहीं 20 चाहिए। अरे रे 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 रे, क्या बात है। शादी में तुमने धूम मचाई थी ना? जी हाँ। तो गाने भी गाती हो? राधा, यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हंस कैसे सकती हो? तो फिर क्या करूँ, रोती रहूँ क्या? ऐसी बात नहीं है, उसके ये सब करने पर मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। तुझसे प्यार किया, बात शादी तक आ गई, उसके बाद कहता है सॉरी तुमसे प्यार नहीं किया। कोई ऐसा कहेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? खुशी ही होगी, एक बड़े करोड़पति ने आकर माफ़ी मांगी, इस बात की खुशी होनी चाहिए। तुझे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहन से कहती थी कि सपनों में नहीं जाना चाहिए और ऐसे में खुद ही सपनों में जी रही थी। मैं क्या हूँ ये मुझे अब समझ में आया। राधा रुक, तो अब भी उससे बात क्यों कर रही है तू? उन्हें तो तुम लोगों पे गुस्सा और घिन आती है ना? लेकिन मुझे उनसे घिन नहीं है ना, मेरी वजह से वो लोग बहुत परेशान हुए। दोबारा जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये लीजिए चाय। अरे रुको,
क्या कर रही हो? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या जो कोई भी घर आएगा उन्हें खुद चाय नाश्ता देकर मर्यादा का प्रदर्शन करोगी? इसने किया था वो कम था क्या? बाई मिस्टेक खाना बनाने वाली से प्यार कर लिया। लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की है ना, तो मैंने किसी काम वाली से शादी की, ऐसी फीलिंग मुझे मत दो। अगर घर में काम वाले नहीं है तो होटल से ऑर्डर कर दो, दो बॉयज आकर सर्व कर देंगे। अब जाओ ना। अब हमारे घर में ये बैंड वाले कहाँ से आ गए? ये तो बैंड वाले नहीं है डैड। हाँ? राधा के मामा है शायद। हाँ? आप लीजिए और जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हेलो, पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप हमें फिर से चेहरा ना दिखाएं। नए कपड़े खरीद कर उन्हें पहनकर यहाँ आने के लिए नहीं। ओ दामाद जी, जरा शांत रहिए। हेलो समधी जी, आपका रोना ये ना कि हम ब्रांड्स नहीं पहनते और इसलिए आपने रिश्ता भी ठुकरा दिया ना। आप शोरूम से खरीदते हैं, हमने कॉपीज खरीदी हैं, इतना ही फर्क है। आए, खड़ा हो जा। Get up, you fool. Get up. तेरा और मेरा ब्रांड एक ही है। जी सर, आलिन सॉली। और नाकी का बूट कैसा लग रहा है सर? वो मेरे फेवरेट ब्रांड का नाम। कोई मेरे ब्रांड के बारे में उल्टा सीधा बोलता है ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बेटा। सॉरी भाई साहब। कौन है तेरा भाई साहब? मैं तेरा भाई कैसे हो गया? I'll take care of them. I'll talk to them. क्या चाहिए तुझे? राधा, कलांजलि साड़ी सेकंड्स में खरीदी है। हमारी बच्ची इस घर की बहू बनेगी। हाँ, हमारी बच्ची इस घर की बहू बनेगी। हलवा समझ रखा है यार। I'll be right back, huh? हाँ। राधा, what is this? मैंने तुम्हें क्लियरली समझाया था, फिर भी तुम ये ड्रेस पहनकर यहाँ आ गई हो। असल में तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, और उस रात मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। एक मिनट मेरे साथ चलो। ए, राधा, क्या बात? लवर्स के बीच कई बातें होती हैं। ओ, तू इधर आ, सर, इधर आ। मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पर लेकर आएंगे। साड़ी पहनने को कहकर यहाँ पर लेकर आए। मेरे मामा जिद्दी हैं, जो काम सोचते हैं वो करके रहते हैं। ये क्या है, मुझे डरा रही हो? इसी बहाने मुझसे शादी करके मेरे घर में घुसने का प्लान है क्या? मेरी माँ की कसम, मुझे ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रही। क्या खुसुर फुसुर लगा रखी है? ऐसे जैसे रिश्ता देखते वक्त लड़का लड़की मिलकर दूसरे कमरे में बात करते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनने से क्या औकात बदल जाएगी? नौकरानी बेडरूम में आ गई तो क्या बीवी बन जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग में पैदा होने वाले ब्रांड को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे तो भून के रख दूंगा। निकलो यहां से। हेलो सर, खाना ऑर्डर किया था, ये लीजिए। आपको तो समाज बहिष्करण किया था ना? हाँ, करी हो तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? आप वही है ना? हाँ, तो क्या हुआ, पार्सल दे दे और पैसे ले ले। नो, तुम लोगों ने हमारी जीएम कम्युनिटी फीलिंग्स को हर्ट किया है। तो क्या हुआ, क्या कर लेगा तू? क्या करूंगा मैं? अरे सुन, एक ग्लास पानी लेकर आ। अबे तेरी तो फीलिंग्स हर्ट किया तो खाना नहीं मिलेगा, और हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। ठंडा वाटर या गरम वाटर? ठंडा पानी चलेगा। पानी चाहिए तुझे, पानी चाहिए। माँ, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता बेटा, अगर गैस जलाई तो तलाक हो जाएगा। कुछ होगा तो खा लूंगी, वरना भूखी ही रह जाऊंगी। तेरी वजह से ये प्रॉब्लम आई है ना, अब तू ही सॉल्व कर। हाँ?
अरे सुनो भाई, क्या है वहाँ देख। अच्छा नमस्कार सर। सर वो आप यहाँ पर एक सेकंड। क्या हुआ सर? वो क्या बात? आप मेरी बात सुनिए सर, अगर इन्हें खाना खिलाओगे तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जय जीएम, जय जय जीएम, जय जीएम, जय जय जीएम। अगर आप बुरा ना माने तो आप में से किसी को खाना पकाने आता है तो मैं किचन अरेंज कर दूंगा। किचन हमारे घर में भी है इडियट। चलो रे। आप बताइए आगे क्या करना है? डस्टबिन में डालने वाले कार्ड को डाइनिंग टेबल पे क्यों रखा है? डैड हाँ? अगर जैगुआर गाड़ी का टायर फट जाता है तो उस महंगी गाड़ी को रास्ते पे ही छोड़कर आते हैं क्या? हाँ? उसी तरह हमारी ब्रांड इमेज खराब हुई है, उसे सेट भी हमें ही करना होगा। ए, भूख लग रही है, लेक्चर मत सुना यार। सुनिए जी, एक दिन हमारे लिए मेहनत करने वाले लोग ना आए तो हम जैसे सिस्टमैटिक लोगों की लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है। हम सारे लोग उन पर कितना डिपेंड रहते थे ये आज समझ में आया। डैड हम सिर्फ राधा की फैमिली के दुश्मन हैं, दुनिया भर के गरीब और मिडिल क्लास लोगों के नहीं। हर जगह पे इन्हीं लोगों का ब्रांड हमें पंच मार रहा है। पेट्रोल डालने जाओ तो पाइप हाथ में लेकर खुद डालना पड़ता है। सुपरमार्केट जाने पर कैश काउंटर पर खड़े होकर खुद बिल भरना पड़ता है। होटल जाने पर किचन दिखाकर कहते हैं कि खुद अपना खाना पका लो। ये हमसे खेल रहे हैं डैड। अच्छा? हम पैसा फेंकेंगे तो खाना मिल जाएगा, पर जहां मिलेगा उस जगह पर खाना हम पसंद नहीं करते, और जहां नहीं मिलता वहीं खाने की कोशिश करते। तो अब करना क्या चाहिए ये बताना बेटा। गरीब मिडिल क्लास लोगों को बताएंगे कि हम उनके दोस्त हैं, वेंकैया की बेटी की शादी में जाकर उनके बीच बैठकर खाना खाना होगा डैड। भूख से मर जाऊंगा लेकिन इज्जत कमाने के लिए गरीब के घर बैठकर खाना नहीं खाऊंगा। पूरे 40 सालों से बनाया हुआ साम्राज्य है मेरा ब्रांड, झूठी इज्जत कमाने के लिए मेरा साम्राज्य उनके सामने गिरवी रख दूं? डैड डायमंड ग्रुप सिंस 1995, 22 years old ब्रांड वैल्यू कंपनी। वन डे, जस्ट वन डे किसी एरे गेरे ने हमारा ब्रांड खरीदा तो कंपनी क्लोज हो जाएगी क्या? ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी क्या? भूख लग रही है। फाइनली क्या कह रहा है? शादी में चलते हैं। सर आप हमारे घर नहीं, साहब चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए, चले जाइए। वेंकैया जाने के लिए नहीं आए, डैड तो आशीर्वाद देने के लिए आए। ठीक है वो यहाँ तक आ गए पर और आगे नहीं, आप बड़े लोग हैं हमारे घर नहीं आ सकते हैं। आप आ भी गए तो साहब ने भेजने को कहा था। वेंकैया उस दिन उन्होंने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज करना चाहते थे। फिर भी नहीं साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। लाइए अक्षर दीजिए पंडित जी। साहब रुकिए एक मिनट। साहब देखिए आपके लिए बासमती राइस ब्रांड से बनवा कर लाया हूँ। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं साहब। अरे यार ये आदमी आंसू में ही सारा वक्त बर्बाद कर देगा, इसे आगे समझी क्यों? वेंकैया खाना कहाँ पर लगा साहेब माटे? अरे हमारे घर पर ये खाना खाइए, उनका हमारे घर आना ही बहुत है। अब आप जाइए कार के पास। वेंकैया हमारी बात समझने की कोशिश करो, पेट में माउस आ रहा नहीं, जल्दी से कुछ खाने का प्रबंध कीजिए। मुझे समझ में आ गया, तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो, साहब से खाने को मत कहो, आप जाइए कार के पास। भक्ति की ऐसी की तैसी, शराब थोड़ा प्लीज। हाँ वेंकैया हम आप सबके साथ मिलकर खाने आए हैं। साहब
हमारे लिए इतनी दूर आए हैं? नहीं, अभी तक घर पे ही है, दिखता नहीं है क्या? और दूर नहीं साहब, आप जाइए अपनी कार के पास। सर सर, अब आपको ही कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो वी ऑल भूखा मरेंगे। प्लीज प्लीज डैड। वेंकैया, भूख लग रही है, खाना खिलाओ। वेंकैया, थोड़ा सा पानी। आंसू नहीं मांगा पीने के लिए, पानी जल्दी लाओ ने। Unbelievable! Himalayan water bottles? कभी साहब आएंगे तो काम आएगा, ये सोचकर एक केस मंगवाया था। बेटा, ये टिफिन बॉक्स मैम साहब को दे दीजिए, कहिएगा कि गलती हो गई तो माफ कर दे। पानी भी नहीं। ये भी लेके जाता हूँ। हमारे मोटा साहब ने साहब को ब्रांड ब्रांड करके ही बड़ा किया है। तुम उनके लेवल का ब्रांड नहीं हो, ये सोचकर वो तुमसे प्यार करते हुए भी आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। छे, सच तो ये है कि ना मुझे उसका प्यार चाहिए ना पसंद। मेरी वजह से इतने बड़े खानदान का नाम खराब हुआ, मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, इसलिए मुझे उनकी हेल्प करनी है। तो हमारी भी थोड़ी हेल्प कर दो ने, दोपहर के लिए कुछ लंच अरेंज हो जाता तो। फूड फूड खाना इधर लाना। खाना? सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो फैमिली तुमसे नफरत करती है तुम उन लोगों के लिए खाना भेज रही हो। क्या कर रहे हो? पार्क हयात का कवर है, सारा खाना इसमें डालकर उनको बोलेंगे कि इसी होटल से लाए हैं। दे आर फूल्स। उनको माल से फर्क नहीं पड़ता, डब्बा ब्रांडेड चाहिए। पैंट फिसले कोई बात नहीं, ब्रांड नहीं फिसलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? सॉरी सॉरी। भाई साहब, मैं आपसे टच में हूँ, ये बात। Who this gentlewoman? You know her? ये कौन छे? आह वाह, इसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग खाना। मन प्रसन्न हो गया। रात को जो खाया था, करेले के पकौड़े, कटहल की सब्जी, लौकी की सब्जी, अरे हम तो दाना छू कर ना पहचान लेते हैं कि क्या है ये। अरे ब्रांड तो ब्रांड ही होता है बस। सही कहा भैया, ब्रांड के नाम पे तो ये लोग कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, एंजॉय। वैसे वो जीए मंडली आई नहीं ना बाद में? नहीं सर, ठंडे हो गए सबके सब। और नहीं तो क्या करेंगे, तेल में तले हुए पापड़ की तरह है, बाहर निकालती बड़े कुरकुरे लगते हैं और थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाते हैं और उसके बाद रबड़ हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद डस्टबिन के अंदर होते हैं। बस यही कहानी है इनकी। क्या है कि बिना ब्रांड की जिंदगी बेकार है। अच्छा, रात को इतने भड़के हुए लोग सुबह ठंडे होकर लंच भेज रहे हैं? वो जरूर किसी होटल का नहीं होगा, घर का बना हुआ खाना होगा। नहीं मैडम, कवर देखा ना आपने? झूठ मत बोलो, घर के बने खाने का स्वाद मैं नहीं जानूंगी। पैसे लेकर बनाने वाले और प्यार से बनाने वालों में फर्क नहीं कर पाऊंगी मैं। ए, सच सच बताओ, माँ जो कह रही है सही है ना? किसने बनाया था? राधा ने। जी मेम साहब, उसकी वजह से आप लोग का नाम खराब हुआ ने, आप लोग दुखी है इसलिए। वो आप लोग की चिंता करती है, फोन वोन करके आपके बारे में हमेशा हाल चाल पूछती रहती है। किस लिए? हेल्पिंग नेचर सर, शी प्रोड्यूसेस। कौन सा हेल्पिंग नेचर? माय फुट। उस रात हमें तकलीफ में देखकर वेंकैया के घर जाने का आइडिया शी ओनली गिव सर। उन्हें कैसे भी शादी में ले जाना होगा। आजकल कोई छोटी सी भी मदद करता है तो काम कम करता है और सुनाता ज्यादा है, लेकिन उसने तो आप लोगों को बताने से ही मना कर दिया। शी इज हार्ट ऑफ गोल्ड सर। मुझे उस लड़की को देखना है। रुको बेटी, पहले दाहिना पैर अंदर रखो और फिर आओ। बिल्कुल लक्ष्मी का रूप लग रही हो, हमारे घर में ही रह जाओ। मॉम, डैड को पता चल गया तो मार देंगे। मेरी मॉम थोड़ी पागल हो गई है, तुम चलो यहाँ से। रुक जा, क्या है ये सब? ऐसे पकड़ रहा है जैसे होने वाली बीवी है। क्यों बेटी, यहीं पर रहोगी ना? पर क्यों? अपने घर से खाना बनाकर भेज रही हो, यहीं रहकर बना लो। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम आओगी तो बेटी की तरह रखूंगी।
मॉम, ये डैड के ब्रांड के खिलाफ है, पता है ना आपको? उनकी तो बात ही मत करो, उन्हें तो ये भी पता नहीं कि घर में कितने लोग हैं। कितने दिन मैनेज करोगी ऐसे? जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। मदद ही करेगी ना, रहने दीजिए, बहुत थोड़ी ना बनने जा रही है। ए, तुम नए हिंट क्यों दे रहे हो? प्लीज मेरी बात मान जाओ बेटी। ठीक है आंटी, आपकी मर्जी। आंटी प्लीज। हाँ, अगर तुम्हारी माँ देती तो तुम मना करती क्या? आंटी चुप कर पगली, भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, ऐसे रो मत, चल। सुनो, इसे तो काम के लिए बुलाया है ना, इनके इमोशंस देखकर लगता है दोनों के बीच सास बहू का रिश्ता बन गया है। मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से राधा काम वाली है या राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉम सास है, समझ में नहीं आ रहा है। साहिब, कुछ ब्रांड शुरुआत में समझ नहीं आते हैं, इस्तेमाल करने के बाद ही उनकी क्वालिटी समझ में आती है और हमें ब्रांड वैल्यू पता चलती है, पता चलने के बाद सबको अच्छा लगता है और प्यार हो जाता है। इसको छोड़िए सर, इसका साबुन स्लो है, यू जस्ट चिल सर, सब ठीक हो जाएगा। Tinger chikang chik tinger chikang chik tinger chikang chik tinger chikang chik tinger chikang excuse me, aap? Main Radha ka dance master hoon. Yahan? Haan, aur kya? Socha tha wo dance pe apna naam kamayegi, upar aayegi. लेकिन आपकी वजह से वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो गई है। अगले महीने दिल्ली में एक प्रोग्राम है और वो उस कंपटीशन में आने से मना कर रही है, और उसकी वजह आप ही हैं सर। मेरे लिए अब भी ये लोग जरूरी है मास्टर, इनके लिए काम करने का कोई भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती, इसी वजह से इनके साथ रह रही हूँ। इनकी खुशी मेरे लिए बहुत है, मुझे पता नहीं फ्यूचर में मैं कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी, लेकिन इनके साथ गुजारा हर एक पल मेरे लिए यादगार होगा। इन यादों को मैं छोड़ नहीं सकती। अगर उसे पता चला कि मैंने आपको बताया तो डांस का नाम तक नहीं लेगी। चलता हूं सर। एक मिनट रुको। अब सेट हो गया। अब तुम ये सब कैसे जानती हो? इसमें जानने का क्या है? तुम्हारी प्लेस और टेस्ट में कोई रिलेशन नहीं है। होना जरूरी थोड़ा ही है, टेस्ट को प्लेस में नहीं पर्सन में होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। आपकी तरह महंगा गिफ्ट देने की हैसियत तो नहीं है, लेकिन आपको गिफ्ट ना दूं इतनी गरीब भी नहीं हूं। ये मेरा ओन ब्रांड है, हैंडमेड, मेहनत करके बनाया है। कबट में नहीं रखेंगे तो चलेगा, पर फेंकना मत प्लीज। मुझ पर गुस्सा नहीं हो? कैसे होंगे, इतने बड़े आदमी ने अनजाने में ही सही, लेकिन प्यार तो किया मुझसे। साहिब। हाँ। मोटा साहिब आ गए। वो तो रोज आते हैं ना। पर मोटा साहिब सीधा वहाँ जा रहे हैं। अरे आएंगे तो जाएंगे ही ना। अरे हॉल में राधा इज चिलिंग सर। हाँ तो। हम बर्बाद हो गए। चलो चलो चलो।
क्या हुआ जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कहाँ रहूंगी? ओ, लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की, दरवाजा मैंने ही खोला था। तुमने दरवाजा नहीं खोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, मेरा हाथ पकड़िए। पकड़ लिया? Dad, that's my hand, Dad. ए, तू कब आया? मैं तो कब से यहीं खड़ा हूँ। उस लड़की को मैंने यहीं देखा था। Who's that? Hey, कौन है यार? मैम सब समझकर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। यू नॉटी सर। तू यहाँ क्या कर रहा है गधे? मैं यहाँ ही रहता हूँ सर। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पेरिस फिस्टिंग सर। सर आपने तो दोबारा गले लगा लिया। यू आर आउट ऑफ कंट्रोल सर। मैं हूँ यार। ओ आप हो? ए कौन हो? सीधा सीधा बता दो, चाय वाली की बेटी हो ना? ए मैंने कहा था ना वो लड़की आई है। तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, इस घर में क्या कर रही है तू? क्या हुआ बड़े पापा? माकी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो बिजली चली गई थी तो। बिजली गई है तो एक जगह बैठी रहना, भूतों की तरह ताताथैया क्यों कर रही है? मोटा साहब ऐसे क्यों घूम रहे, सबको टेंशन हो रही है। सूझ होए छे तुमने? एक माचिस चाहिए, देगा? Why will he have माचिस सर? हाँ। अरे माचिस मेरे जेब में ही है। ये लो मोटा साहब। ला ला ला। चीची। ए रास्कल, ये चीप ब्रांड की माचिस तूने सर के हाथ में दे दी? क्या कहा चीप? ओ सॉरी। कितनी बार कहना पड़ेगा कैसे सस्ते ब्रांड मत लाया कर घर पर। ए क्या हुआ? कोई गिर गया सर, आप जरा संभाल कर चलिए। You also walk slow motion सर। अच्छा क्यों? It is darkness सर, कहीं आप ही नहीं गिर जाएं। मैं तेरी तरह गिरा हुआ नहीं हूं रे। क्या हुआ जी? क्या ढूंढ रहे हैं? शायद मीटर ट्रिप हो गया है, देखता हूं। हां सेल्फी खिंचवा रहे हैं डैड वो यार ये कौन सा ब्रांड है? कल ही बदल वाले, बार बार ट्रिप हो जा रहा है, कल बदल जाना चाहिए। ओके डैड। जैसे किसी घर में पैदा हुए होते, या फिर मैं तुम्हारी तरह। नहीं, मेरी इतनी इच्छा नहीं है। अगले जन्म में जरूर मुझसे प्यार करोगे ना? सबसे पहले मुझसे नफरत करने वाले सारे लोगों से मैं माफी चाहता हूं। जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ, जो लड़की हमारी वजह से दुखी हुई, उसके लिए आपने दुखी होकर हमें भी दुखी कर दिया। वो लड़की एक मिनट सुनो राधा, कॉफी लाना। थैंक यू। हाँ तो वही लड़की हमारे घर में हंसते खेलते उत्साह के साथ खाना बनाती है और काम करती है।
ऑटो चलाने वाले इसके मामा को लगा कि झूठी चाल चलकर धोखे से इसे हमारे घर की बहू बना देगा, बताओ। अरे ले 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 ले, महापाप है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मेरा दिल इतना बड़ा है कि इसकी शादी मैं धूमधाम से हमारे ड्राइवर सोनू के साथ करवाऊंगा। वो भी इसे पसंद हो तभी, नो फोर्स, कंपल्शन नहीं है बेटी। सो माय डियर जीएम पीपल, ये सब कुछ यहाँ खत्म करके, जब हमने इसके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, ये सब भुलाकर हैप्पीली आप अपना काम कीजिए, ऐसा टीवी के सामने कहता हूँ। इन लोगों को पटाकर तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो? शर्म नहीं आई उसके घर में काम करते हुए? अपनी माँ का नाम खराब कर दिया है। इसे आज मार दूँगा। नालायक कहेंगे। हेलो, मैं राधा की बहन बोल रही हूँ। मेरी गलती की वजह से मेरी दीदी दुखी है, उन्हें तंग करने के लिए मैंने आपको मैसेज किए थे, उन्होंने आपको कभी कोई मैसेज नहीं किया। मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। मैं होम मिनिस्टर जी के घर पर खाना बनाती हूँ। बहुत गरीब है, मेरे पापा का 30 स्टॉल है। सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप रेयर ग्रुप है, आपकी फैमिली में किसी से मैच नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल्स ब्लड बैंक में ट्राई कर रहे हैं, हो सके तो आप भी अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। मैंने अपने सभी जानकार हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दिया, वी डोंट हैव टाइम, अंडरस्टैंड, मेक इट फास्ट। जिस किसी ने ब्लड दिया है उसे कुछ पैसे देकर रफा दफा कर दो। अगर उसे पता चलेगा कि यह मेरे लिए है तो हाथ फैला के हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा एहसान जताते रहते हैं ये मिडिल क्लास मंडली वाले, कह देता हूँ। बेटा ये सब क्या है? इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने बताया भी नहीं, मुझे पहले बताना चाहिए था। धीरे धीरे, अगर तुझे कुछ हो जाता बेटा तो क्या होता? क्या है दादी, रो क्यों रही हो लो क्लास लोगों की तरह? हम हाई क्लास लोग हैं, बस देखकर इमोशंस एक्सप्रेस कर देते हैं, ऐसे ओपनली नहीं, है ना डैड? ऐसे रोने के लिए भी विजिटिंग आवर्स होते हैं, उस वक्त साइलेंटली अंदर आना है, बिना किसी को दिखाए चार आंसू बहाकर चले जाना है। सही कह रहा हूं ना डैड? मुझे देखिए, एक भी इमोशन दिखाए बिना कितना खुश लग रहा हूं मैं,
अरे बाबू ये क्या कह रहा है तू? आप बीच में मत आइए, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। तुम्हारे पति की परवरिश है ना, तो आज मैं भी जरा सा एंजॉय कर लूं। सामने वाला मुझे प्यार दिखा रहा है, लेकिन मैं पत्थर की तरह खड़ा होकर उसके प्यार को अपना नहीं पा रहा हूं। इसकी वजह आप ही है ना डैड? राधा माय लव, इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमें सुधार कर इंसान बनाने के लिए हमारे ही घर आई, किसी देवी से कम नहीं है डैड। उनका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही है, टेस्ट कीजिए और जितना चाहिए ले लीजिए, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। भगवान ने हम दोनों को एक ब्लड ग्रुप इसलिए दिया होगा ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। ऐसे वक्त पर ब्लड देकर आपके पापा की जान बचाई उस लड़की ने, उसने ब्लड दिया है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये कह के वो सिंपली चली गई। अगर अब भी आप उसे पहचान नहीं पाए तो ये पाप होगा। आपके हिसाब से इंसानों का भी ब्रांड होता है, आपको प्यार मोहब्बत इन चीजों की वैल्यू नहीं है, आप तो प्यार बांटने के लिए भी टाइम सेट करते हैं, ब्रांड 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 का नाम जपते रहते हैं। अगर राधा ने आपको खून नहीं दिया होता तो आज आप यहां पड़े नहीं होते, आपका ब्रांड इस वक्त कहीं शमशान में होता। हमारे जीते जी हम जो काम करते हैं उसे हमारे मरने के बाद हर कोई याद रखे, वो होता है असली ब्रांड। आखिरी बार कह रहा हूं, याद रखिएगा, आपसे जो लोग प्यार करते हैं उन्हें दूर करके आप जो इन नकली ब्रांड से प्यार करते हैं उनके साथ आप कितना वक्त खुश रह पाएंगे पूछिए अपने आप से। बस अब मैं जा रहा हूं, जो खुद अपना गम बुलाकर प्यार का मतलब लेना देना नहीं उससे भी कहीं ज्यादा है ये समझाने वाली मेरी राधा के पास, इन ब्रांड्स को छोड़कर जिसे इंसान की तरह मैंने दिल से चाहा उसके पास जा रहा हूं मैं। गुड बाय। खून ब्रांडेड नहीं है इसलिए वापस मत कर देना, मर जाओगे। देना चाहती थी ये लो, ग्रांड रोड से लेकर आई हूँ, 400 के 2 शर्ट खरीदे हैं तुम्हारे लिए। भाई वो देखो कौन आ रहा है। Thank you.
मैं झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं आया, राधा से बात करने आया हूँ। वाले लोग नहीं है, जाओ यहां से। राधा, आज से मेरा ब्रांड यही है। आखिर में जिस गोकुल ब्रांड की शर्ट को चीप समझकर फेंका था, वही ब्रांड पहनकर अपनी राधा के प्यार को जीत कर वो भी इंसान की तरह जीने लगा। I'm sorry, राधा का यूरोप ट्रिप है, शेड्यूल फिक्स हो गया। आप कौन हैं जो ये बात कह रहे हैं सर? राधा का हस्बैंड हूँ। और देखिए, हमारा ब्रांड बाबू जो होम मिनिस्टर की बेटी से शादी करने वाला था, आज कितने गर्व से सबको बोल रहा है कि वो राधा का पति है। अब राधा एक सेलिब्रिटी बन चुकी है क्योंकि इसने राधा के डांस को सपोर्ट किया और आज उसके डांस शोज पूरी दुनिया में चलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में आज उनका नाम है और इसी वजह से वो एक अच्छा हस्बैंड कहलाया। ये देखिए, आ रहे हैं हमारी कहानी के विलेन। इनके बेटे ने जो इनकी हॉस्पिटल में क्लास ली थी, उसके बाद क्या ये बदल गए हैं? आइए खुद ही देख लीजिए। अपने पोते के लिए टॉप ब्रांड की चड्डी खरीदी है। टॉप ब्रांड का मतलब है 100 की 4। होलसेल मार्केट से लाया हूँ। अरे पापा जी, ऐसे चीप ब्रांड्स बच्चे की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। नहीं चाहिए, चलिए। अच्छा अच्छा, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाओ। डैड, हाँ। यहाँ हम उनकी रेंज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो तो हमारी रेंज में आ गए। हाँ। ब्रांड। जी हाँ, पैसा है तो ब्रांड है। जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना बड़ा ब्रांड खरीद पाएंगे। लेकिन इन सब ब्रांड्स की मोहमाया में कहीं आप अपने सबसे बड़े ब्रांड को मत भूल जाना, और वो है आपका परिवार। बेशुमार पैसा और दुनिया का कोई भी ब्रांड आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आपका परिवार आपको दे सकता है।